आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप अपने टिकटॉक वीडियो पे लाइक एंड व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या हम लोग गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे वीडियो पे लाइक एंड व्यूज नहीं आते हैं? जितने भी वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे, ट्रेंडिंग साउंड पे या ट्रेंडिंग वीडियो पे सेम कॉपी करके बना देते हैं, लेकिन हमें टिकटॉक पे लाइक एंड व्यूज चाहिए तो हमें कुछ अलग तरीके से वीडियो शूट या एडिट करना होगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये लड़का कपिल शर्मा शो में गया हुआ था, इस तरह से एडिटिंग किए थे, आपको इसके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल इसी साउंड पे एक वीडियो शूट कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो को आपको किस प्रकार एडिट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 20 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपका फुल साइज में हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है ग्रीन स्क्रीन में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट किया था टिकटॉक के साउंड पे, तो आपको भी टिकटॉक के साउंड पे ही वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साउंड लिंक आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद आप अपने वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2.3 सेकेंड पे आना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। ये जो हमारा पार्ट जो है एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। वीडियो को फिर से आगे की तरफ प्ले कराएंगे और 6.7 सेकेंड तक आना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो हमने आ रहा वीडियो सिर्फ यही पार्ट चाहिए था, मैंने यहाँ पे पार्ट को जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने ट्रिम टू लेफ्ट या राइट कर चुका हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को सिर्फ आपको इनेबल कर देना है। शो मास्क पे क्लिक करना है और आपको ये जो आपको दिख रहा है ये आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, तो बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है। इसके बाद ये जो होता है आपको फेस को वाइट करने के लिए होता है, इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। आपको फेस बॉडी जो है आपको वाइट कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, तो मैंने सही से एडजस्ट कर दिया हूँ, किस इस तरह से आपको भी एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन करना है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर ले देना कर देना है और नीचे की तरफ कर देना है। आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और क्रोमा की को आपको सही से एडजस्ट आपको कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और यहाँ पर साउंड बिल्कुल मैच हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे इस वीडियो को अपलोड कर देना है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।